अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो हमारी स्मूथ फेस इन अलाइन मोशन पर लगी है, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा। तो इसके लिए गाइस आपके पास टू एप्स होना मस्ट है, एक मीटू और सेकंड अलाइन मोशन। ये टू एप्स अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने सबसे पहले मीटू ऐप ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपको ये इंटरफेस शो होगा। इसके बाद गाइस आपने वीडियो एडिटिंग पर क्लिक करना है। वहां पर आपने जिस वीडियो को ऐड करना है आपने उसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने नीचे एडिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने राइट साइड पर ड्रैग करना है, वहां पर आपने इमेज क्वालिटी को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको कंफर्म कर लेना है। यहाँ पर आपकी रेंडरिंग स्टार्ट हो गई है, कुछ टाइम में आपकी वीडियो HD क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपकी वीडियो शॉर्ट है तो आपकी वीडियो जल्दी रेंडर हो जाएगी, अगर आपकी वीडियो का साइज बड़ा है तो उसमें रेंडर होने में टाइम ज्यादा लगेगा। सो यहाँ पर मेरी वीडियो HD क्वालिटी में कन्वर्ट हो गई है। इसके बाद आपने इसको ओके करना है। देन आपको ऊपर राइट साइड पे 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, आपने उस पर क्लिक करना है। वहां से आपने इसको 60 FPS पे एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपने दोबारा मीटू ऐप ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपने जो अभी वीडियो एक्सपोर्ट किया उसको दोबारा इम्पोर्ट कर लेना है। इम्पोर्ट करने के बाद आपने सेम इस तरह नीचे एडिट पे जाना है, उसके बाद आपने इमेज क्वालिटी पे जाना है। देन आपने इसको कन्फर्म करना है। इसके बाद आपकी वीडियो दोबारा रेंडर होगी। यहाँ पर भी आपकी वीडियो की HD क्वालिटी में होने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर हमारी क्वालिटी रिपेयर हो चुकी है। इसके बाद आपने उसी तरह ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है, वहां से आपने इसको 60 FPS पे एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद जो हमारा मीटू ऐप में काम था वो हमने कर लिया है। इसके बाद अब हम अलाइड मोशन ऐप ओपन करेंगे। ये आपने ओपन कर लेनी है। उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस होगा। नीचे आपने प्लस पे जाना है। देन आपने जो वीडियो का फॉर्मेट रखना है वो आप रख लें। उसके बाद आपने नीचे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपने जो अभी मीटू ऐप से वीडियो एक्सपोर्ट की थी उसको आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के लिए आपने नीचे प्लस आइकन पे क्लिक करना है, वहां से आपने मीडिया पे जाना है। देन आपने अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपने नीचे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है, वहां पर आपने थर्ड ऑप्शन पे जाना है। देन आपने इसको अपनी स्क्रीन पर एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद गाइस अब हम इसमें CC अप्लाई करेंगे। आपने सबसे पहले एक रेक्टेंगल शेप ले लेनी है। रेक्टेंगल शेप ऐड करने के लिए आपने नीचे प्लस आइकन पे क्लिक करना है, वहां से आपने ये रेक्टेंगल शेप ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद आपने इसको अपनी फुल स्क्रीन पर एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस अब हम इसमें कुछ इफेक्ट्स ऐड करेंगे। आपने नीचे इफेक्ट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो फर्स्ट इफेक्ट ऐड करना है उसका नाम है कॉपी बैकग्राउंड, ये आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद अब हम सेकंड इफेक्ट ऐड करेंगे गॉशियन ब्लर, ये आपने ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने इसकी जो सेटिंग रखनी है वो 0.190 कर लेनी है। ये करने के बाद अब हम थर्ड इफेक्ट ऐड करेंगे एक्सपोजर एंड गामा, ये आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लेना है। उसके बाद जो आपने एक्सपोजर की सेटिंग रखनी है वो -1.15 रख लेनी है। ये करने के बाद अब हम नेक्स्ट इफेक्ट ऐड करेंगे हाइलाइट्स एंड शेडोज, ये आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद जो इसकी हाइलाइट्स है उसको आपने फुल 200 कर लेना है। उसके बाद हम लास्ट इफेक्ट ऐड करेंगे सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस, ये आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने सैचुरेशन को सिंपली -100 कर लेना है और वाइब्रेंस को आपने जितना इंक्रीज करना है वो आप कर सकते हैं। जो मैंने किया वो फिलहाल मैंने 2.00 कर लिया है। आप अपनी वीडियो के हिसाब से इसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर आप वीडियो की क्वालिटी थोड़ा और इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऐड करेंगे शार्पन, ये आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने इसकी जितनी भी शार्पनेस इंक्रीज करनी है वो आप कर सकते हैं। मैंने फिलहाल जो रखी है वो 0.25 रख ली है। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट लेयर के एफर्ट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद हम सेकंड रेक्टेंगल शेप ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए आप उसी तरह प्लस आइकन पर जाएंगे, वहाँ पर आपने रेक्टेंगल शेप ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद आपने इसको फुल स्क्रीन पर एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने नीचे इसके कलर एंड फिल पर जाना है, वहाँ पर आपने इसका व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस अब हम जाएंगे इसकी ब्लेंडिंग एंड कैपेसिटी में, वहाँ पर हमने कॉन्ट्रास्ट पर जाके ओवरले को सेलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद गाइस अब आप देख सकते हैं आपकी वीडियो में ब्राइटनेस भी ऐड हो चुकी है, बट यहाँ पर अभी भी आपको वीडियो ब्लर शो हो रही होगी। यहाँ पर जो आपने फर्स्ट रेक्टेंगल शेप ऐड की थी आपने उस पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपने इसके ब्लेंडिंग एंड कैपेसिटी पे जाना है, वहाँ पर आपने नीचे डिफरेंस पे जाकर डिफरेंस को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं कि आपकी वीडियो की क्वालिटी कितनी इंक्रीज हो चुकी है। और गाइस जो हमने फर्स्ट लेयर में सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस का इफेक्ट ऐड किया था अगर मैं उसको डिसेबल करता हूँ तो उससे हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो फिलहाल के लिए मैं इस इफेक्ट को डिसेबल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर गाइस हमारी वीडियो रेडी हो चुकी है। इसके बाद गाइस अब हम इस वीडियो को सिंपली एक्सपोर्ट कर लेंगे। सो गाइस यही थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस कुछ टाइम में हम लोग एक गेमिंग चैनल बना रहे हैं, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और गाइस कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस पर है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।